हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैंने में कभी कॉलगेट डाले हैं? डालते ही आप चौंक जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे छोटे छोटे किचन टिप्स हैक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी मुश्किल काम आसान हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, साथ ही समय की बचत और पैसे की भी बचत हो जाएगी। चलिए तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला टिप से किचन से लेकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आटा तो सभी लोग लगाते ही हैं बर्तन में, तो फ्रेंड्स आज आटा से लेकर है टिप्स कुछ। यहाँ पे हम आटा ले लिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारे आटा गूंदने वाला जो बर्तन है उसमें हम इस तरीके से नेल पेंट क्यों लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ऐसे छोटे छोटे बहुत ही कमाल का टिप्स से लेकर आए हो। तो यहाँ जो है जिसमें हम आटा गूंथते हैं उस बर्तन में हम नेल पेंट लगाए हैं फ्रेंड्स, और इसे हमें सूखने के लिए 5 मिनट तक सूखने देना है। ये अभी चेक करते हैं, ये अभी थोड़ा गीला है, इसको हम बीच में देना है इस तरीके से नेल पेंट को। तो हम ये इसमें नेल पेंट क्यों लगाए हैं चलिए तो बताते हैं फ्रेंड्स। इसको 5 मिनट तक हमें सूखने के लिए छोड़ देना है। जब ये सूख जाएगा, नहीं तो फिर ठंडा पानी से इसे धो दें, ये बहुत जल्दी ही सूख जाता है फ्रेंड्स। और ये सूखने के बाद इस तरीके से देखिए, जब भी हम इस तरीके से कठौत में आटा लगाते हैं, इस तरीके से रखते हैं और लगाने के लिए लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये इधर उधर बहुत ही स्लिप करता है और घिस सकता भी है। अब आटा गूंदने में बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए, हम लगा दिए हैं नेल पेंट और इस तरीके से आटे में पानी डालकर और हमें इस तरीके से चम्मच से चलाना है। अब ये देखिए, इधर उधर घिसकेगा नहीं फ्रेंड्स और आराम से हमारा जो आटा गूंदना है वो हम लगा लेंगे आटा, और इधर उधर बर्तन नहीं घसकेगा, नहीं तो फिर घस सकता है बर्तन। और ये जो है आटा गूंदने में भी बहुत ही दिक्कत होता है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला टिप्स क्या है। उसके बाद यह देखिए फ्रेंड्स, ये जो है दूसरा, जब भी हम आटा इस तरीके से लगाते हैं और थोड़ा सा हम इस पे हल्का सा तेल डाल देते हैं और तेल डालकर 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए ढककर छोड़ देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो है रोटी वो बहुत ही फुला फुला और सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा और बहुत ही अच्छा देखने में भी लगेगा फ्रेंड्स। तो बस इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद देखिए कितने अच्छा हमारे रोटी भी बनेगा। तो जब भी आटा गूंथते हैं 2 बूंद इसमें तेल डाल दे, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। अगला है इस तरीके से लहसुन से लेकर। लहसुन हमें यहाँ पे लेना है, लहसुन को निकाल लिए हैं 2-4। उसके बाद यहाँ कद्दूकस ले लिए हैं, ग्राइंडर ले लिए हैं, और यहाँ हमें करना क्या है देखिए, हमें छिली का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये ग्राइंडर में हम इस तरीके से कस करेंगे ना लहसुन, तो फिर ये अपने आप छिल जाएगा। और ये बहुत ही इस तरीके से आपको पेस्ट भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे दूसरा चीज बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ 2-4 लहसुन की कलियां लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो बस इसे हमें कस कर लिए हैं, और कस करने के बाद यहाँ पे हमें मिलाना है इसमें क्या क्या, देखते हैं फ्रेंड्स चलिए। और हाँ, हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स आप जरूर बताना। यहाँ पे ले लिए हैं 2 चम्मच आटा। अब आटा 2 चम्मच ले लिए हैं, गेहूं का आटा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिए हैं। ये तीनों मिलाकर हमें पेस्ट बना लेना है फ्रेंड्स। अब ये पेस्ट बनाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। इससे आपकी बहुत ही बचत होने वाला है फ्रेंड्स, और बहुत ही मुश्किल काम आसान हो जाएगा। तो इसे हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें मिला लेना है इसको, अच्छे से 1 चम्मच से मिलाना है, और ज्यादा हमें पतला भी नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। अब हमें इसको यूज कहाँ पे करना है और कैसे करना है चलिए फ्रेंड्स बताते हैं, और ये जो है क्या चीज में काम आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से पेस्ट बनाए हैं, देखिए ज्यादा पतला भी नहीं है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी दीवार पे छिपकली चलता है या फिर बहुत सारे मक्खी जहाँ पे है फ्रेंड्स, वहां पे आप इस तरीके से लगा देते हैं ना, तो छिपकली आपके किचन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो लहसुन का है ना, लहसुन से छिपकली बहुत ही दूर भागता है, और किचन में छिपकली दिख जाए ना तो बहुत ही डर भी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लगा कर, और गर्मी का सीजन है, छिपकली तो अभी बहुत ही दिखने को मिलता है फ्रेंड्स। अब ये अगला है
तो यहाँ पे लेना है एक कटोरी, छोटा सा लेना है, और हमें ले लेना है यहाँ पे वेसलिन। तो हाँ फ्रेंड्स, ये वेसलिन लेना है जो हम ठंडे में लगाते हैं, जिससे हाथ गोर फट जाता है, उसमें हम यूज करते थे, तो फ्रेंड्स वही लेना है। और यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लेना है, और थोड़ा सा ही लेना है, ज्यादा नहीं। आपको ज्यादा बनाने का जरूरत है तो आप ज्यादा ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लेना है व्हाइट वाला कोलगेट लेना है, तो फ्रेंड्स व्हाइट वाला ही कोलगेट लेना है, दूसरा कोई कोलगेट नहीं लेना है। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, और थोड़ा सा हमें इसमें पानी डाल देना है, हल्का सा डालना है, ज्यादा नहीं। और ये पेस्ट को हमें थोड़ा सा गाढ़ा भी बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कमाल का ये रेमेडी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स हम इसे यूज किए हैं, हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, तभी आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक बार आप जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, तब तक आपको विश्वास भी नहीं होगा। एक बार इसे बनाकर आप लगा लें, उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि फ्रेंड्स कि ये आपको कैसा आप लगाए हैं तो आपको रिजल्ट मिला है। बस यहाँ पे केहनी, हाथ का केहनी जो होता है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, दिखने लगता है काला काला फ्रेंड्स, धूप का कारण से। तो सब जगह साफ रहता है, केहनी के पास या घुटने के पास इस तरीके से कालापन रहता है। आप वहां पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे ना, तो हम प्रूफ भी आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, तुरंत ही 5 मिनट के अंदर ही। आप देखिए इस तरीके से आप लगा कर इसे 5 मिनट तक, आप ज्यादा नहीं 5 मिनट तक भी इस तरीके से छोड़ देते हैं ना, और फिर देखिएगा आप इसका रिजल्ट, देखिएगा कहिएगा हाँ ये तो बहुत ही कमाल का रेमेडी है। और यहाँ पे देखिए केहनी हो गया या घुटना हो गया या फिर आपके पैर में जहां पर भी काले काले निशान है, वहां पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हाथ कितने को आप देखे होंगे, हाथ भी काले हो जाते हैं, और धूप तो अभी बहुत ही है, बाहर जो निकलते हैं उनका हाथ भी इस तरीके से काला हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए जहां जहां इस तरीके से काला है, तो हाँ ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप चेहरे पे इसको मत लगाना, इस पे हाथ पैर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम अभी आप लोग को प्रूफ दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों में, एक में हम लगाए हैं और एक में नहीं लगाए हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं कि दोनों का कलर में कितना डिफरेंट है। देख लीजिए फ्रेंड्स, जो लगाए हैं वो बिल्कुल साफ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना फर्क है दोनों हाथ में, जिसमें हम होम रेमेडी अभी तैयार कर लगाए थे वो कितना क्लीन है, और जिसमें नहीं लगाए थे वो क्लीन नहीं है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर।